गणित में पढ़ेंगे माप के बारे में। माप क्या होता है और कैसे लिया जाता है, मीटर में लिखाऊंगी मैं आपको। मीटर में लेते हैं तो हमें इंचेस का माप लेना होता है, और लीटर में लेते हैं तो देखिए इस तरीके से लीटर बने हुए होते हैं, तो इनसे हमें माप लेना होता है। जैसे कोई तरल पदार्थ होता है, हम अगर मापते हैं तो इस लीटर के द्वारा मापा जाता है। शुरू में स्टार्टिंग में देखिए 50 ग्राम। अगर आपसे कोई कहे कि हमें तेल चाहिए, तेल, घी, दूध, दही, छाछ, जो भी लिक्विड फॉर्म में आता है वो हमें लीटर के द्वारा माप के लेना चाहिए। ये 50 ग्राम, इसके बाद में आता है अपना 100 ग्राम, 100 ग्राम के बाद में आता है 250 ग्राम, 250 ग्राम के बाद में आता है 500 ग्राम, जिसको बोलते हैं आधा लीटर। क्या बोलते हैं? आधा लीटर। और उसके बाद में आता है 1000, जो 1 लीटर हो जाता है, 950 के लगभग होता है ना। तो आप बताइए कि लीटर के द्वारा क्या क्या माप। जो भी हमारे द्रव्य पदार्थ होते हैं वो हम किससे नापते हैं? लीटर के द्वारा। किससे नापते हैं? लीटर के द्वारा। अब आप सबको समझ में आ गया कि लीटर से क्या क्या मापा जाता है। अगर आप कहीं मार्केट जाते हो और मान लो आपको दूध की जरूरत है, और भी जाते हो ना, जहाँ गाय भैंस वगैरह रखते हैं सभी जाते होंगे सुबह शाम दूध लेके, नहीं तो वो किससे नाप के देते हैं आपको? लीटर से। तो दूध किससे नाप के लेना चाहिए? लीटर से। और वैसे ही अगर आपको कहे कि हमें शक्कर लेने जानी है, चावल लेने जाना है, तो क्या वो भी आप लीटर से नाप के लेके आओगे क्या? नहीं। उसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? बाट। ऐसे छोटे छोटे बाट आते हैं, ये 500 ग्राम का बाट है, इससे हम क्या नापते हैं, है ना। 100 के बाद में आ गया 200 ग्राम। 200 ग्राम, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि हमें 250 ग्राम शक्कर लेनी है, क्या लेना है? 250 ग्राम शक्कर, तो मैं कौन कौन से बाट रखूंगी ये बताइए। एक 200 ग्राम का रखूंगी और एक 50, तो 200 और 50 मिला के बन गया 250 ग्राम, जिसको हम 1/4 यानी 1/4 यानी पाव भी कहते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? क्या कहते हैं? एक पाव। क्या कहते हैं? एक पाव। अगर इससे ज्यादा हमें लेना होता है तो फिर हम लेते हैं 500 ग्राम का बाट, जिसको आधा किलो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधा किलो। अब हमें न ही तो 1 किलो लेना है, न ही हमें आधा किलो लेना है, हमें लेना है 3/4, जिसको बोलते हैं 3 पाव। क्या बोलते हैं? 3 पाव। 3 पाव के लिए हमें 500 ग्राम और 250 ग्राम ये मिला दिया, तो ये हो गया 3 पाव। क्या हो गया? 3 पाव। समझ में आ रहा है? यानी कि 750 ग्राम। 250 50 का 3 बार लेते हैं तो 750 ग्राम, 500 और 200 और 50 का बाट है ये। अब कहा जाता है कि 1 किलो लेना है, तो 1 किलो के लिए हमें या तो चाहिए 500 ग्राम के 2 बाट, 500 ग्राम के कितने बाट होने चाहिए? दो। क्योंकि 1000 ग्राम में कितने किलो होते हैं? 1 किलो। कितने किलो होते हैं? आप मुझे एक बात बताइए कि यदि मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे 1.5 किलो, एक और आधा किलो चावल लेना है। एक किलो का बाट और 500 ग्राम का बाट। वेरी गुड, सभी बहनें इसके लिए क्लैपिंग कर दें। हाँ, इस बहन ने सही बताया है, एक 1 किलो का बाट रखेंगे और एक 500 ग्राम का, ये हो गए पूरे 1500 ग्राम, जिसको 1.5 किलो का। अब इससे बड़ा आता है 2 किलो का बाट, 2 किलो का बाट। अब मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे 2.25 किलो कोई सामान लेना है, मान लीजिए चीनी लेना है या चावल लेना है, 2.25 किलो, 2.25 किलो, यानी 2 किलो का बाट होगा, 200 ग्राम का बाट होगा और ऊपर उसके 50 ग्राम का बाट होगा। समझ में आ रही है? 2 किलो, 200 ग्राम और 50 ग्राम, ये हो गया 2.25 किलो, यानी 2/1/4।
समझ में आई? 2.25 किलो के लिए हमें 250 ले सकते हैं, 500 ग्राम के दो चार बाट भी ले सकते हैं, वो भी 2 किलो होता है, और 2 किलो का एक साथ भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए आप कहीं गए और आपको 5 किलो कोई सामान खरीदना है, तो आपके पास बाट नहीं है, आपके पास सिर्फ 2 किलो के बाट है और 1 किलो का बाट है, तो आप कैसे यूज़ करेंगे? 2-2 किलो के कितने बाट लेंगे और 1 किलो का कितना बाट लेंगे? कौन बताएगा? कोई बता सकता है? हाँ, 2 बाट रखेंगे और 1 किलो का 1 बाट रखेंगे तो 5 किलो हो जाता है। और इसी के साथ यदि हम 1-1 किलो के 5 बाट रखते हैं तो भी 5 किलो हो जाता है। और ये रहा 5 किलो का बाट, जो उठाने में थोड़ा भारी होता है। 5 किलो का रख दिया, अगर 5-5 किलो का बाट मैंने 2 बार रख दिया तो कितने किलो हो गए? कितने किलो हो गए? मान लीजिए मेरे पास 9 किलो मुझे सामान लेना है और मेरे पास 5-5 किलो की बाट है और 1 किलो का बाट है, तो मैं उसको कैसे यूज करूँगी? मैं आज आपको बताती हूँ। 5-5 किलो की बाट मैंने एक साइड में रख दिया और 1-1 किलो का बाट मैंने जिस तरफ मुझे सामान लेना है उस साइड में रख दिया, क्योंकि मुझे 9 किलो करना है ना, तो 1 इधर रख दिया, यानी 10 से 1 कम हो गया, 9 किलो हो गया, तो अपना सामान बराबर हो जाएगा। 9 किलो चाहिए तो 9 किलो हो जाएगा, 8 किलो चाहिए तो उधर 2 किलो का सामान, 2 किलो का बाट। इस तरीके से हम माप कर सकते हैं, इस तरीके से हम लीटर में भी माप कर सकते हैं और किलो में भी माप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को लीटर और किलो से लेके? नहीं, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ आकृतियाँ बताती हूँ। मैं आपको चित्र दिखाऊंगी, आपको कुछ दिखाऊंगी, आप मुझे बताना ये कौन सी आकृति है। गणित में पढ़ते हैं हम आकृतियाँ, आयत पढ़ा है, वर्ग पढ़ा है, आयत कौन सा है, आयत की परिभाषा क्या है, कोई बहन बता सकती है? हाँ, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। पर देखिए, ये आयत है और ये वर्ग है, इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर है और इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर है, क्या ये दोनों आयत है? क्या ये दोनों आयत है? देखिए, आयत में क्या होता है, सिट डाउन, आमने सामने की भुजाएं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, हालांकि ये वर्ग है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर है। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हुई ना, तो आमने सामने की भुजा बराबर हुई, इसका मतलब ये एक प्रकार का आयत भी है। आपके ये अंतर आ सकता है, आयत और वर्ग में अंतर बताइए। तो आयत और वर्ग में सिर्फ क्या अंतर है बताइए? आयत और वर्ग में अंतर है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत में चारों भुजाएं बराबर होती है, पर वर्ग एक प्रकार का आयत भी कहलाता है, क्योंकि आयत की परिभाषा है आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो इसमें भी देखिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अब आपको समझ में आ गया आयत और वर्ग में क्या अंतर होता है? ये है शंकु, इसको ये शंकु है, इसको शंकु बोलते हैं, ये शंकु है, ये शंकु बनाया है। मैंने अभी आपसे कहा 2 से अधिक भुजाएं होती है वह बहुभुज कहलाता है, तो क्या इसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए? 2 है कि 2 से अधिक है? 2 है, इसमें एक नीचे गोला आ गया है और भुजाएं कितनी है? 2, तो यह बहुभुज नहीं है। बहुभुज कौन सा होगा? 2 से अधिक, यानी आप ट्रायंगल बना लो, एक त्रिभुज बना लो, इसमें भुजाएं हैं 3, यानी 2 से अधिक है, तो ये क्या कहलाएगा? बहुभुज। क्या कहलाएगा? बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? जिसमें 2 से अधिक भुजाएं होती है उस आकृति को बहुभुज कहा जाता है। अब ये गोला जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये गोला, क्या ये बहुभुज? आप बहुभुज बना सकते हैं क्या? 2 भुजाओं वाली आकृति से बहुभुज बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए 2 से अधिक भुजाएं होना आवश्यक है। यह है बेलन,
बेलनाकार आकृति, बेलनाकार आकृति है, इसमें हम आयतन का माप लेके इसको सॉल्व करते हैं। क्या है ये? बेलनाकार आकृति है, दोनों साइड से गोल है और सामने से भी गोल राउंड में जा रही है, तो ये एक बेलनाकार आकृति है। ये कौन सी आकृति है बताओ? स्क्वायर, स्क्वायर है, वर्ग है, चारों भुजाएं क्या है इसकी? अभी बताया था, बराबर। ठीक है, अब आपको मैं आज का वर्क देती हूँ, आप अपने घर जाइए, अगर आपका संभव हो सकता है तो कुछ प्रैक्टिकल कीजिए। अगर आपके पास बाट है या फिर लीटर है तो उससे आप कोशिश कीजिए, सामान को मापने का तरीका ढूंढिए नया नया और उसे तोल के देखिए क्या मैं सही कर रही हूँ क्या। अगर आपको लगता है नहीं तो कल हम फिर इस बारे में चर्चा करेंगे, सभी बहनों से मैं इस बारे में पूछूँगी। ठीक है।